एम्स और जिपमेर के अंदर एडमिशन सिर्फ नीट 2020 से ही होगा, यानी जिपमेर और एम्स का 2020 का एग्ज़ाम कैंसिल हो चुका है। इसके बारे में हेल्थ मिनिस्टर ने बताया था और ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दिया, लेकिन उसके बारे में हमारे पास प्रूफ नहीं था। लेकिन इस वीडियो में आपको कम्प्लीटली प्रूफ बताऊंगा और ये बताऊंगा कि ये जो न्यूज़ है वो कन्फर्म्ड है और ये जो जितनी भी जो बातें चल रही हैं वो सब सही हैं। तो ये गवर्नमेंट की तरफ से हेल्थ मिनिस्ट्री का जो लेटर है वो जिपमेर को, एम्स को और PGIMR जो चंडीगढ़ है उसको लिखा गया है, और उसके अंदर साफ साफ बताया गया है कि उनके जितने भी यूजी के एग्ज़ाम हैं जिसमें MBBS भी इंक्लूड है और बाकी के जो भी एग्ज़ाम्स हैं वो नीट के थ्रू ही एडमिशन होंगे। यानी नीट 2020 का एग्ज़ाम जो है उसी के ज़रिए आपको MBBS के अंदर एडमिशन मिलेगा, चाहे वो आपका एम्स दिल्ली हो चाहे वो आपका जिपमेर हो। और बाकी की जो इन्फॉर्मेशन है इसके अंदर है आप पढ़ सकते हो, ये ऑफिशियल है जो कि डॉक्टर अमित गुप्ता ने हमारे साथ शेयर किया है। तो इसके बाद में आपको यकीन मान लेना चाहिए कि ये जो न्यूज़ है वो 100% करेक्ट है और जो प्रूफ है वो आपके सामने है और ये कोई भी एक रूमर नहीं है। और देखिए नीट 2020 का जो पैटर्न है एग्ज़ाम का और जो सिलेबस है उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं आने वाले। हाँ ये ज़रूर है कि एम्स का खुद का एक पैटर्न होता है, जिपमेर का खुद का एक पैटर्न होता है, लेकिन अभी जो है इमीडिएटली इस चीज़ को चेंज नहीं किया जा सकता। ये वहाँ पर मेंशन किया गया है हेल्थ मिनिस्टर की तरफ से, जिसका ऑफिशियली अनाउंसमेंट अभी कुछ नहीं हुआ है लेकिन हमें पता चला है। लेकिन उसमें ये बोला गया है कि जो इंटरनल सोर्सेस हैं जो कि गवर्नमेंट के हैं उन्होंने ये बोला है कि अगर बहुत जल्दी अगर बच्चों को चेंज करने के लिए बोल दिया जाएगा तो इससे काफ़ी सारे बच्चे जो हैं वो इनएलिजिबल हो सकते हैं। तो अभी इसको चेंज नहीं किया सकता, लेकिन फ्यूचर में हो सकता है कि आज से एक दो साल पहले बाद में ये चेंज किया जाए, लेकिन अभी इसके चेंज करने के कोई चांसेस नहीं है।